गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। पिछले क्लास में क्लास नहीं हो पाया था, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। और ओके, सर ने आप लोगों को इन्फॉर्म किया होगा। हम लोग पिछले क्लास में स्टेटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो प्रैक्टिस सेट 6.6 में किसी को कोई डाउट है तो अपना जो जो भी डाउट है क्वेश्चन नंबर वो चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 से फिर रिवीजन शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोगों को रिवीजन का जो क्लास होगा उसमें आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। जितने भी मैं क्लास कराऊंगा रिवीजन का वो सारा आपको करना है। और रिवीजन में जैसे कि हम लोग एक तरीके का मोटा मोटी सारा चीज पढ़ लेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे और जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे ताकि हम लोग को एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वेरिएबल डिपेंड करता है आपका जो इक्वेशन होगा उसमें कितने वेरिएबल्स है। वो आपका वन वेरिएबल का भी हो सकता है, टू वेरिएबल्स का भी हो सकता है। आप लोग पिछले क्लास में जैसे पढ़े होंगे वन वेरिएबल्स का, टू वेरिएबल्स, इसमें जो है हम लोग टू वेरिएबल्स का वो इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, तो जैसे कि एक पहला एक्टिविटी है। ओके, एक्टिविटी में ये पूछ रहा है कि इज द इक्वेशन इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो है वो आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं है और कौन सा टू वेरिएबल है या नहीं है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट जो है वो टू वेरिएबल में है, यस और नो? तो ये टू वेरिएबल में है क्योंकि एक एम है और दूसरा एन वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स। इसमें 3x² - 7y। ओके, तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे वाई है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है इसलिए ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। हालांकि ये टू वेरिएबल है, थर्ड में है आपका एक्स अंडर रूट 2x - √5y = 16। तो यहाँ पे एक्स और वाई है और दोनों जो है वो लीनियर है, यानी कि इसमें पावर नहीं है, कोई भी पावर इसमें नहीं है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स भी है। ओके, देन फोर्थ नंबर है 0x + 6y - 3 = 0। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टू वेरिएबल तो इसमें दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे जीरो है, एक एक्स का कोफिशियंट जो है वो आपका जीरो है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो वो आपका लीनियर टू वेरिएबल्स नहीं होगा।
तो जैसे कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जैसे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन। ओके, तो यहाँ पे एक्स और वाई का जो कोफिशियंट है, एक्स और वाई का कोफिशियंट ये जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी वन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इनमें से कोई भी एक कोफिशियंट जो है वो आपका अगर जीरो हो जाता है तो आपका लीनियर टू वेरिएबल्स वाला नहीं होगा। फिर ये मान लीजिए कि ए वन जीरो हो गया, तो जीरो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये ए वन एक्स जो है वो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा आपका बी वन वाई इक्वल टू सी वन, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है वाई, तो ये वन वेरिएबल का हुआ। नेक्स्ट है आपका 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो 0y दिया हुआ, ये y का कोफिशियंट जो है वो जीरो है, इसीलिए ये भी टू वेरिएबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे टू वेरिएबल्स तो है लेकिन ये रेसिप्रोकल में दिया हुआ है। ओके, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये एक्स वाई के टर्म एक आ जाएगा। ओके, तो ये भी जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन इसको लीनियर इक्वेशन बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जो कि हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 4x y माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो अगर पूछा जाए कि कितने वेरिएबल्स हैं तो इसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं, और ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि दो वेरिएबल्स का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब कि जैसे ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना है। और कौन ऐसा पॉइंट होगा, एक्स और वाई का कौन ऐसा पॉइंट होगा जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जैसे कि इसमें से एक एक्स वाले टर्म में इसको बना लेते हैं एक्स के टर्म में इसको, और वही एक्स का वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका माइनस 3y है और यहाँ पे वाई का टर्म है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 3 × 3 9x प्लस 3 × y 3y इक्वल टू 3 × 2 डेट इज 6। तो यहाँ पे 9x प्लस 3y इक्वल टू 6 ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका माइनस 3y का टर्म है और यहाँ पे प्लस 3y का टर्म है, तो जब हम लोग इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3y और प्लस 3y जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x और 9x। 5 और 9 कितना होगा, 14, तो 14x एंड माइनस 3y प्लस 3y ये हो जाएगा आपका 0। ओके, देन कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो 8 और 6 आपका होगा 14, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू आपका यहाँ एक्स इक्वल टू आप देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो 14 एक्स में 0 ऐड करेंगे तो आपका 14x ही होगा और यहाँ पे 14 है।
और यहाँ 14 जब है तो 14 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 14, तो यहाँ पे डिवीजन में 14 होगा। ओके, इधर लाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो ये 14 और ये 14 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 मिला। अब एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू 1 हमको जब मिल गया तो कोई एक इक्वेशन में हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और फिर उससे वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि हम एक्स इक्वल टू 1 जो वैल्यू है उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे है 5x, तो यानी कि 5 एक्स के जगह पे 1 रखें तो 5 इंटू 1 5 ही होगा। ओके, -3y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे -3y है तो यहाँ पे -3y ही रहने देते हैं, देन 8, और यहाँ पे 5 है तो 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, -5। ओके, और फिर ये साइन देते हैं और का, और यहाँ पे -3y इक्वल टू 8 -5। ओके, यहाँ पे 3 -3y होगा, -3y इक्वल टू 8 -5 डेट इज 3, और देयर फोर वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3y -3। तो ये होगा 3, और -3 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका -1। ओके, तो y का वैल्यू जो है वो आपका -1 और x का वैल्यू जो है वो 1। इसी तरीके से जो है हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या 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 टेक्निक इसमें देखना है, कैसे करना है, तो उसको मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे -3y का टर्म था और यहाँ पे +y है, तो हम लोग जब इसको इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा y वाला टर्म। कोई एक वेरिएबल को हम लोग ट्राई करेंगे कि वो सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर तो मेथड 1 इसने 2 मेथड से सॉल्व किया, इसने 3 मेथड से सॉरी 2 मेथड से इसने सॉल्व किया है, तो कौन कौन सा मेथड है। जैसे कि यहाँ पे 5x-3y इक्वल टू 8 है, तो इसको इसने इक्वेशन 1 माना है। ओके, तो जस्ट जैसे जैसे ये स्टेप में लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लोग को एग्जामिनेशन में भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे दो इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 1 करेंगे, फिर सेकेंड वाले को 2 करेंगे, और फिर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, जैसे कि मैंने सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 by 3। ठीक है, मतलब 3 से जो है हम लोग इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, और दोनों को देखिए यहाँ पे +3y है और यहाँ पे -3y है, तो दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड करना है, तो ऐड करना है यहाँ इस तरीके से ऐड करना है, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, और फिर एक्स का वैल्यू जब मिल जाएगा तो इस एक्स के वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फिर आपको y का वैल्यू मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट मेथड जो है इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, तो लेट अस उसने क्या किया है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को
इक्वेशन नंबर टू है आपका ये। तो इक्वेशन नंबर टू को उसने क्या किया, वाई वाले टर्म को मतलब बाहर निकाल लिया है, वन साइड कर दिया है और बाकी सबको वन साइड, और फिर वाई का जो वैल्यू है उसको, ये इक्वेशन नंबर टू का है, ये इक्वेशन नंबर टू का है, तो इक्वेशन नंबर टू का वाई है, वाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर टू का है, तो हम लोग इस वाई के वैल्यू को टू में ना पुट करके हम लोग इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे। यहाँ पे वाई जो है वाई ये, तो इस वाई के जगह पे हम लोग इस वाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर वन ही है ये आपका, और इक्वेशन नंबर वन में ये वाई जो है, वाई के जगह पे हम लोगों ने पुट किया है 2x-3x। ओके, तो 2x-3x पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर x का वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन और थर्ड में पुट कर देंगे तो हमको y का भी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, फिर ये एग्जाम्पल नंबर टू है, तो ये भी सेम है उसी तरीके से, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर थ्री जो है वो थोड़ा सा देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर थ्री है 15x+17y=21 एंड 17x+15y=11। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे 15x है और यहाँ पे 15y है, यानी कि नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। एक्स वाला जो एक्स का कोफिशियंट जो है वो सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट है, एंड वाई का जो कोफिशियंट है वो सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको वन दे देंगे, फिर इसको टू सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटरचेंज है, तो जैसे कि 15 15 में 17 ऐड करेंगे, या फिर 17 में 15 ऐड करेंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू कितना, इसका 15+17 32 एंड 17+15 32, यानी कि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। और जब डिफरेंस करेंगे तो जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा वो सेम होगा, जैसे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक में 2 होगा और दूसरे वाले में -2 होगा। इसको आगे हम लोग देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ऐड द टू गिवेन इक्वेशंस 15x+17y=21 एंड 17x+15y=11। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15x और 17x ऐड होगा तो 32x, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। ओके, एंड फिर आपका 17y+15y तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 32y होगा, देन इक्वल टू 21+11, यहाँ पे भी 31 आया। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लिए तो ये आपका एक इक्वेशन मिला, ये आपका एक इक्वेशन मिला, और यहाँ पे देखिए 32 32 32 तीनों स्थान पे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 से दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है वो आपका नया इक्वेशन जो है 32x/32x/32 प्लस 32y/32 इक्वल टू 32/32। तो यहाँ पे ये 32 और ये 32, ये 32, ये 32, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा x+y=1।
तो ये जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन दो इक्वेशन हो चुका है, तो ये आपका तीसरा इक्वेशन होगा। ओके एम आई और डिपल ओके। तो जब आवाज नहीं आ रहा हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो आप माइक ओपन करके कुछ बोल सकते हैं कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रहा है। ओके या फिर पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख पाया तो फिर आप बोल सकते हैं। ओके तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है आपका। देन यह बेनिफिट क्या मिला दोनों इक्वेशन को ऐड करने से? ऐड करने से हमको ये बेनिफिट मिला कि एक्स और वाई का कोफिशियंट सेम आया, तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 32 से, और जो कि ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया। देन हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन। तो या फिर आप टू फ्रॉम वन कर सकते हो, या फिर वन फ्रॉम टू कर सकते हो, कोई भी कर कुछ भी कर सकते हो आप। ओके तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जैसे कि निगेटिव टर्म इक्वेशन में निगेटिव टर्म जो है वो कम आए। ओके तो जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन देखिए कहाँ गया। हाँ ये दोनों इक्वेशन है आपका, इन दोनों इक्वेशन को देखिए। तो अगर हम लोग ये आपका इक्वेशन नंबर वन है और ये जो है आपका इक्वेशन नंबर टू है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वन से टू को सबट्रैक्ट करते हैं, वन से टू को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 15 से 17 एक्स को सबट्रैक्ट होगा तो ये निगेटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे 21 माइनस 11 ये भी आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि वन निगेटिव मिलेगा। एंड टू में से अगर वन को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 17 एक्स में से 15 एक्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ पे भी निगेटिव, यानी कि टू निगेटिव नंबर इक्वेशन में आ रहा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस ऐसा इक्वेशन में जो कि कम से कम निगेटिव है। ओके तो यहाँ पे जो है वन से टू को सबट्रैक्ट कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर वन ये रहा और इक्वेशन नंबर टू ये रहा, और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट कैसे करते हैं उसको भी ध्यान में रखते हैं। जैसे ये दोनों इक्वेशन है, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं। ओके यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे 17 के पहले क्या है प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, फिर यहाँ पे 15 के पहले प्लस है तो माइनस, एंड 11 के पहले माइनस प्लस है तो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि अगर 5x, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए कि 5x प्लस 2y है, 5x प्लस 2y, और इसको सबट्रैक्ट करना है 3x प्लस 3x माइनस वाई में, 3x माइनस वाई को जो है 5x प्लस 2y से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, जैसे कि 5x प्लस 2y और यहाँ पे माइनस वाला टर्म है, तो माइनस वाले माइनस जो है जब है यहाँ पे, तो माइनस से जो है हम लोग 3x, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, यानी कि माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। ओके तो माइनस और प्लस माइनस होगा तो ये आपका -3x होगा। देन इस माइनस को फिर से हम लोग अगेन इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे साइन जो है निगेटिव है तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो ये हो गया प्लस वाई। ठीक है तो हम लोगों ने साइन यहाँ पे चेंज करा है, उसी तरीके से सेम हम लोग, या ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा सारे सारे इक्वेशन में, तो जो भी टर्म होगा जितने भी टर्म्स होंगे सबका साइन जो है वो हम लोग चेंज करते हैं। ये अब क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि बहुत बच्चों की ये डाउट रहता है सर, प्लस है तो माइनस कैसे कर दिए, माइनस है तो प्लस कैसे कर दिए। तो ये जो है अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमको साइन सीखना था बस, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, एंड 17y माइनस, अब ये नीचे वाले साइन को काउंट करेंगे ऊपर वाले साइन को नहीं, तो 17 माइनस 15 वाई दैट इज 2y, एंड तो यहाँ पे प्लस वाई होगा क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर, और यहाँ पे -17 तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाला टर्म जाते हैं तो -17 और 15 तो डेट इज -2x। तो ये जो है ये आपका एक नया इक्वेशन मिला, और फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या होगा -x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कि जब भी ये और का साइन, ये जो साइन है, ये साइन हम लोग, ये और का साइन है, ओ आर और, ओके। तो जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में साइन जब भी देते हैं, तो जैसे कि ये साइन को हम हमेशा जो है वो एक दूसरे के सामने रखते हैं, जैसे कि ओके एकदम वर्टिकल होना चाहिए सीधा लाइन में, जब भी हम लोग लिखेंगे तो ये इसके सामने फिर ये वाला इसके सामने, ना कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा। मेरे पास स्पेस का वो प्रॉब्लम है इसमें, इसीलिए मैं इसको यहां से कंटिन्यू कर रहा है, इस चीज का आप लोग ध्यान। यस देन यहाँ पे 2 है मल्टीप्लीकेशन में, फिर इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो -x + y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो -x + y इक्वल टू 5, तो ये जो है ये आपका फोर्थ इक्वेशन है, -x + y इक्वल टू 5, ओके। तो यहाँ पे पहले हमको कौन सा इक्वेशन था, इतना मतलब लेंदी इक्वेशन था, ठीक है, इसको करने में मल्टीप्लीकेशन करने में ज्यादा वक्त जाया करता, इसीलिए हम लोगों ने एक बार ऐड किया, एक बार सबट्रैक्ट किया, और इसको हम लोगों ने सिंपल बना लिया, ओके। इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग जैसे पिछला साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे, वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे -x है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो x वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और y वाले टर्म से फिर y का वैल्यू जो है हम लोग निकाल लेंगे, y इक्वल टू आपका 3 होगा, और फिर इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर देंगे, तो आपका y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो प्राप्त होगा, ओके। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 1.1 है, तो ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आप लोग करेंगे, और मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + 5b = 26 एंड a + 5b = 22, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या कोई बता सकते हो आप माइक ओपन करके? पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें, दोनों इक्वेशन को आप देखो कि जो वेरिएबल्स हैं, तो अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर किसी चीज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे पहला स्टेप में?
सब्ट्रैक्शन। ओके तो सब्ट्रैक्शन करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, और इसमें 5p है और इसमें भी 5p है। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5p और ये 5p कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हम लोग वहां से ए का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद ए का वैल्यू फिर किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में सॉल्व पुट करेंगे तो आपका बी का भी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको? क्लियर है ये? अमर लोखंड, अमर आपको क्लियर है ये? ओके लक्ष्य, अमर आप सुन पा रहे हो? ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है आपका एक्स प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x-2y इक्वल टू 7। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस वाला टर्म है, इसमें माइनस वाले टर्म है, और यहाँ पे कोई भी कोफिशियंट जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे प्लस वाला टर्म है और यहाँ पे ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला टर्म। तो हम लोग अगर क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई वाला टर्म क्या होगा, 7 × 2 डेट इज 14, तो 14y होगा, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 × 2 − 14y। ओके, यहाँ पे ये अब आपका y है, और ये x 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x। और 10 × 2 डेट इज 20, और यहाँ पे 7 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3, तो ये 21x माइनस इक्वल टू 7 × 7 डेट इज 49। ओके, तो यहाँ पे -14y हो गया और यहाँ पे +14y। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से हमको फिर वाई वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर एक्स वाले टर्म, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, फिर किसी भी इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करके फिर वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन और थर्ड में भी उसी तरीके का है, एंड फोर्थ भी, फोर्थ में जो है वो यहाँ पे -6n है और यहाँ पे -3n है। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 6n होगा, यहाँ पे 6n होगा आपका, तो -6n यहाँ पे भी है और -6n यहाँ पे है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से। ओके, फिर फिफ्थ भी जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन करके उसको सपरेट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स को कैसे करेंगे?
तो क्वेश्चन 6 में देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे 1/3x + y = 10/3 और यहाँ पे 2x + 1/4y = 11/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो हम लोग क्या करते हैं इसको इसमें 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो क्या होगा अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x में 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका x, 10+y में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y = 10/3। तो 10/3 में 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ओके देन सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 तो ये हो जाएगा 8x। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ पे होगा y = यहाँ पे 11/4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 फिर से कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 11। और फिर ये देखिए यहाँ पे जो है वो आपका पहले जैसा ये आपका बन गया, पहले इक्वेशन के जैसा। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन और ये इक्वेशन है फोर्थ। और फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फिर एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका 99x है और यहाँ पे 101 है, फिर यहाँ पे आपका 101x है और फिर यहाँ पे 99x है वाई है, तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो इंटरचेंज है। तो सेम जैसे कि ये थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था वैसे ही इसको भी करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को ऐड करना है और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो जो दो इक्वेशन मिलेगा फिर उसको वो सिंपल होगा उसको फिर सॉल्व कर देंगे। ओके तो इसी तरीके से जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन करेंगे आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका आज का जो है होमवर्क है, इन चारों क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ओके अब अगला टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके तो ग्राफ लीनियर इक्वेशन का कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं टू वेरिएबल्स का। तो ग्राफ जैसे कि एक ये आपका एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है 2x - y = 4, इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ हम लोग को वैल्यू चाहिए एक्स और वाई का, तो ये सिर्फ एक इक्वेशन है तो हम लोग एक्स वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे पास तो कोई इक्वेशन वैल्यू है नहीं। तो हम लोग एक एक्स वाई का इस तरीके का एक टेबल बनाएंगे और अपने से रेंडमली हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे एक्स का कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ओके तो जैसे एक्स का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे या फिर 1 या फिर -1 -2, इस तरीके से स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे। ओके अगर ज्यादा बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा और एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो काफी दूर होगा जिसको हम लोग पेपर पे उसको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। इसीलिए जैसे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, जैसे ग्राफ पे जब हम लोग ये आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होता है
और जो वर्टिकल लाइन होता है वो आपका वाई एक्सिस होता है, दो एक्सिस होते हैं और दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ से जहाँ पे ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका 0.0 होता है। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग 0.0 देते हैं। और फिर इस पॉइंट से, जैसे कि मैं इसको, ये अब वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस एंड ये ओरिजिन, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका 0.0। और इस ओरिजिन से जब हम लोग राइट साइड बढ़ते हैं तो ये पॉइंट जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और लेफ्ट राइट अगर बढ़ते हैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो ये जो है वो आपका निगेटिव कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो इसका जो वैल्यू होता है -1, -2 एंड देन -3, -4, और इधर 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से ये कंटिन्यू होता है। और फिर उसी तरीके से वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में जैसे कि यहाँ पे आपका 1 होता है, ओरिजिन से अपर साइड अगर जाएंगे वाई एक्सिस में तो ये पॉजिटिव में होगा, 1, 2 एंड 3 एंड so on। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका -1, -2 एंड -3 इस तरीके से आपका एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं कोई भी चीज। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट को शो करना है, कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1.2। ओके, 1.2 एक कोऑर्डिनेट गिवन है, इसको हम लोग को शो करना है मतलब ग्राफ पे इसको शो करना है। तो 1 ये जो है, पहले जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका आपका x, y का होता है, यानी कि जो पहला डिजिट होगा या फिर पहला जो नंबर होगा वो आपका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, और y जो होगा वो सेकेंड वाला। ओके, तो यहाँ पे x क्या है, 1 है, तो x एक्सिस में 1, यानी कि 1 जो है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है वो आपका सिर्फ 1 ही होगा। एंड y जो है वो 2 है, यानी कि y एक्सिस पे 2 यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक सीधा लाइन, जैसे यहाँ से मैं एक लाइन इधर ड्रॉ किया एंड देन 1 y x एक्सिस पे 1 है, तो मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और जहाँ पे ये कट कर रहा है दोनों पॉइंट, यही कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 1.2 का है। ये कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 1.2 है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो अब बात आती है कि जो कोई भी इक्वेशन है उसका कैसे ग्राफ बनाएंगे, जैसे को इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 2x-y है, तो x का वैल्यू जो है हम लोग एक बार 0 पुट करते हैं। ओके, इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो एक्स इंटू 2 इंटू 0 वो 0 होगा, -y=4। अब यहाँ पे -y है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y=, क्या होगा, -4, y=-4। तो y=-4 है, तो x=0, तो y=-4 मिला। तो जब भी हम लोग वैल्यू अगर खुद से एज्यूम करेंगे, तो यानी कि x एक्सिस का वैल्यू एज्यूम करेंगे या फिर y का,
ये दोनों हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते, जैसे एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो होगा। ओके, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो, यहाँ पे एक्स वन होगा तो वाई भी वन होगा, तो ये आपका गलत होगा क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, देन एक्स का वैल्यू हम लोग एक बार टू रखते हैं, तो एक्स का वैल्यू टू रखेंगे तो टू और टू क्या होगा, फोर हो जाएगा, और यहाँ पे वाई जो है वो वाई का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वाई का वैल्यू जीरो होगा। ओके, फिर एक्स का वैल्यू थ्री रखेंगे, थ्री रख कर देखेंगे तो थ्री जब एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई का वैल्यू जो है वो आपका टू मिलेगा, एंड देन फिर इसी तरीके से एक और वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग चार वैल्यू जो है वो लेते हैं। क्यों चार वैल्यू लेते हैं, हम लोग दो वैल्यू से भी हम लोग कोई भी इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन को जो है हम लोग टू वैल्यू से दो वैल्यू से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चार वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो है वो एक्यूरेसी होगा जो मतलब गलती होने की संभावना जो है वो कम होगी। ओके, देन ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट में लिख लेंगे तो यहाँ पे एक्स कमा वाई जो है 0, -4, ये 2, 0 एंड 3, 2 एंड -1, -6, और ये सब वैल्यू जो है उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे जो है वो ये ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और देन फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू जैसे कि 0, -4 है तो 0, -4 कहाँ पे होगा, तो 0 x में, यानी कि x में 0 कहाँ पे होगा, यानी कि y एक्सिस वाला लाइन, और फिर -4 यानी कि y पे, तो y पे -4 यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे जो है वो 0, -4 होगा। देन 2, 0 यानी कि 2 x एक्सिस पे, तो x एक्सिस ये है तो x एक्सिस पे 2 यहाँ पे, एंड y में 0 तो 0 जो है यहाँ पे, तो ये रहा सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे 3, 2 है, तो 3 x-एक्सिस में 3 यहाँ पे, तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक, तो यहाँ पे यहाँ तक बढ़ाएंगे और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। या फिर समझने के लिए जैसे ग्राफ पे क्या होता है, लाइनिंग दिया रहता है, उसे हम लोग इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। और फिर 2 जो है वो वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस से 2 इधर जाएगा, इधर की तरफ इसको बढ़ा करके देखेंगे तो 3 और 2 जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मीट कर रहा है, वो पॉइंट जो है वो 3, 2 होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है -1, -6, तो -1 x में यहाँ पे है, यानी कि इस लाइन पे जो है वो कहीं होगा पॉइंट, और फिर वाई वाला पॉइंट जो है वो -6 है, तो -6 जो है यहाँ पे, तो -1, -6 यहाँ पे आएगा। अब हम लोग सबको क्या करेंगे, एक एक डॉट जो है वो दे देंगे और फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये आपका कैसे जो है वो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन ये आपका एक क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं भी आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दे भी देगा कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इसमें आपको क्या करेगा, टू इक्वेशंस गिवेन होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है टेबल बना करके, फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल बना करके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और फिर ग्राफ पेपर पे एक x+y=4 का जो है कोऑर्डिनेट उसको पहले मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद उस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन का जो है उसी ग्राफ पेपर पे मार्किंग करेंगे पॉइंट को, और फिर सेकेंड इक्वेशन को भी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों लाइन जहां पे कट करेगा फिर उसका कोऑर्डिनेट जो है हम लोग देख लेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है,
तो यहाँ पे y एक्सिस में क्या है, 2, और x एक्सिस में जो है वो 2 है, यानी कि इसका जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका 2,2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करिएगा, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, कौन कौन सा मैं आपको बोल रहा हूँ वो करने के लिए। एक ये लेट्स थिंक दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑर्डर्ड पेयर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x-3y=1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूछ रहा है इज इट इजी टू प्लॉट दिस पॉइंट्स, क्या ये पॉइंट जो है वो मतलब ग्राफ पेपर पे शो करना इजीली है या डिफिकल्ट है। ये कोऑर्डिनेट्स जो है आपके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिया गया है, तो ये इजीली कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्ट होकर प्लॉट करने में। कर सकते हैं इसको प्लॉट, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है y में क्या है, -1/3, तो -1/3 जो है वो जैसे कि ये आपका ग्राफ है। ओके, तो ग्राफ पे -1/3 कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि वो नेचुरल नंबर में जो है वो आपका वैल्यू आए। ओके, सीताराम जो है इस ऐसे जब फ्रैक्शन में आने लगे तो उस वैल्यू को जो है हम लोग छोड़ देंगे, तो ऐसे वैल्यू हम लोग चूज करेंगे जो कि आपका इजी हो उसमें मतलब प्लॉटिंग करने में। ओके, ये लेट्स डिस्कस है एक, तो टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन x+2y=4 एंड 3x+6y=12 ग्राफिकली फॉलोइंग आर द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ये दो इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, एक ये और एक ये, और दोनों इक्वेशन को जो है इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस तरीके से निकाला गया है जो कि आप लोग को मैंने अभी बताया। जब दोनों इक्वेशन को आप प्लॉट करोगे तो ये एक ही लाइन जो है वो दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन आया। ओके, लेकिन इक्वेशन जो है वो दोनों क्या है, डिफरेंट इक्वेशन है, तो ये यहाँ पे अगर दोनों जो जब दोनों क्या है कि आपका दोनों इक्वेशन अलग अलग है लेकिन लाइन एक ही आया, और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका वैल्यू क्या मिलेगा, सॉल्यूशन क्या होगा इन दोनों इक्वेशन का, तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बहुत सारे दोनों इक्वेशन सेम है तो ये जो डिफरेंट है, तो लेकिन दोनों एक ही लाइन बन रहा है तो इस पे बहुत सारे पॉइंट जो है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन इस इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बहुत सारा वैल्यू होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब आपका दो लाइन जो है वो एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाता है। ओके, देन नाउ लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, ड्रो ग्राफ ऑफ x-2y=4
एंड नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो आपका 2x-4y इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या मतलब कि कैसा ये आएगा, ये कैसे प्लॉट होगा ये दोनों इक्वेशन। तो ये एक आईसीटी टूल दिया हुआ है और इस टूल्स के माध्यम से, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो कैसे प्लॉट करेंगे तो इसको देखते हैं। ओके, तो ये जियो जेब्रा सॉफ्टवेयर है एक, तो इसको हम लोग गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जियो जेब्रा। ओके, जियो जेब्रा, और जियो जेब्रा सर्च करने पे ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे https://www.geojebra जो है इस पे जो है हम लोग इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है जियो जेब्रा मैथ ऐप है एक, और इसको स्टार्ट करने के लिए तो यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे स्टार्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इनपुट देने के लिए कुछ कीबोर्ड ओपन होगा। ओके, तो कीबोर्ड ओपन होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x-2y=4 है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे पहला इक्वेशन x-2y=4। ठीक है, तो x-2y=4 जो है वो इस ग्राफ पेपर पे जो है वो इक्वेशन प्लॉट हो गया है। ओके, एंड देन एक और इक्वेशन ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे इंटर दबा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर टू क्या था आपका, 2x-4y=12। तो 2x-4y=12। तो ये जो है दोनों इक्वेशन को मैंने प्लॉट कर दिया है। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने प्लॉट किया है तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपके पैरेलल हो रहा है। ओके, तो पैरेलल क्यों हो रहा है, ओके, या ये जो है वो कहीं पे कट नहीं कर रहा है, मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूं। ओके, देखिए ये जो है वो कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, देखिए कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसको इधर मैं इसको देखते जा रहा हूँ कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, जहां ये सॉरी इनफाइनाइट नहीं, नो सॉल्यूशन, इसमें जो है कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका कोई भी वैल्यू, जैसे कि ये आपका एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इसका भी ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे है x+2y=4। तो x+2y=4, ये एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, 3x+6y=12। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपका दोनों इक्वेशन कंसाइड कर रहा है, दोनों एक ही लाइन पे जो है वो आपका इक्वेशन है। ओके, तो ये क्यों एक ही लाइन पे आ रहा है, क्योंकि देखिए जब इसको देखेंगे दोनों इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा। ओके,
तो इस तरीके से जो है हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, या फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन मिलेगा। यानी कि दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है आपका, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो सेम ही लाइन होगा। ओके, तो कौन सा, जैसे कि अगर इक्वेशन गिवेन रहेगा तो अगर हमको पता करना होगा कि कौन सा इक्वेशन आपका उसका ग्राफ जो है वो सेम लाइन होगा या फिर उसके पैरेलल होगा या फिर कहीं कट करेगा, इसको कैसे जानेंगे, तो इसको मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि समय हो गया है। ओके, तो हम लोग अगले क्लास में ये चीजें जानेंगे कि कैसे जो है हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा या पैरेलल होगा या फिर कट करेगा। ओके, ऐसे में आप जो है ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, आप इसका यूज करके, आईसीटी टूल का यूज करके सबका ग्राफ चेक करके आप देख सकते हो कि कौन सा, मतलब कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। आप उसको कॉपी पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे, और फिर उसको वहां से आप मिला सकते हो। ओके, तो किसी को कोई डाउट आज के क्लास में, किसी को कोई डाउट? ओके, तो आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो आप लोग नोट कर लीजिए। आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 3, 2 का 1 और 3 करेंगे। ओके, ओके, तो बाय, गुड नाइट। आप अब मीटिंग जो है वो लीव कर सकते हो।